जनपद संभल के चंदोसी में सरकार द्वारा किए जा रहे विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ विद्युत विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण करना चाहती है, इस बात की जानकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जब हुई तो वे सरकार की निजीकरण के योजना के विरुद्ध पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में भी अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस विषय में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं। चंदोसी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा भी मेन फोर्स के विद्युत विभाग के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के धरने का जायजा लेने पहुँचे। आपने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, किन किन शर्तों को लेकर किया है? आपको अभी मीडिया से पता लग गया होगा कि कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 6 भागों में विखंडन करके उसको प्राइवेट संस्थाओं को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसी प्रक्रिया को रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष के बैनर तले 15 संगठन और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर संगठन 16वां संगठन के मिल करके उस प्रक्रिया को रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आज हमारा कार्य बहिष्कार का आंदोलन है 10 बजे से 5 बजे तक। तो सर आप किन किन चीज़ों को किन किन शर्तों को लेकर ये आंदोलन किया गया? केवल एक मुद्दा है, हमें प्राइवेटाइजेशन स्वीकार नहीं है। लोकहित में, जनहित में और विभाग के कार्मिकों के हित में प्राइवेटाइजेशन स्वीकार नहीं है। सरकार रोड मैप बनाए, सुधार कैसे किया जा सकता है और हम लोग सुधार करने के लिए कटिबद्ध हैं और तत्पर हैं। हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी संसाधनों का अभाव है, मैन पावर का अभाव है, प्रबंधन उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और वो तोड़ करके कुछ निजी घरानों को फ़ायदा पहुँचाने की इच्छा रखता है। हम उसका विरोध करते हैं, हम जन सामान्य के साथ हैं और हम अपने साथ हैं।